शमी को गद्दार बताने पर भड़के इरफान, बोले कुछ साल पहले का भारत ऐसा नहीं था, हम भी मैच हारते थे, अन्य दिग्गजों ने भी किया सपोर्ट। टी20 में भारत का पाकिस्तान से मैच हार जाना महज खेल का हिस्सा नहीं है, इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को इस हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहां तक कि वो उन्हें गद्दार और देशद्रोही भी बुला रहे हैं। इस पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैं भी इंडिया बनाम पाकिस्तान की लड़ाई में फील्ड पर था और हम हारे, लेकिन हमें कभी पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा गया। मैं कुछ सालों पहले के भारत की बात कर रहा हूं। इस बकवास को रोकने की जरूरत है। दरअसल रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हरा कर करारी शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये 200वां इंटरनेशनल मैच भी था। इसी के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान से हारा। मोहम्मद शमी के 3.5 ओवर में पाकिस्तान ने 43 रन बनाए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स शमी पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। कुछ ने तो यहां तक पूछ लिया कि शमी को पाकिस्तान से मैच हरवाने के लिए कितने रुपए मिले। शमी के खिलाफ इस नफरत की एक वजह उनका मुसलमान होना भी है। प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया में शमी की देशभक्ति पर सवाल करने की वजह उनका धर्म भी है। यही वजह है कि इरफान पठान ने कुछ साल पहले के भारत और अब के भारत की तुलना की है। उन्होंने नए भारत में फैली नफरत पर सवाल खड़े किए हैं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शमी के समर्थन में भी आ गए हैं। रेडियो जॉकी साइमा ने इरफान के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि हाँ, इस बकवास को बंद होने की जरूरत है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, मोहम्मद शमी के खिलाफ ये ऑनलाइन हमला चौंकाने वाला है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की टोपी पहनता है उसके दिलों में किसी भी ऑनलाइन भीड़ से कहीं अधिक भारत होता है। शमी, हम आपके साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो जलवा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचे।